गुड मॉर्निंग दोस्तों, दीपावली के मौके पर आप सभी लोग कोशिश करते हो अपने अपनों को गिफ्ट देने की। हमने आज से 8 साल पहले, जी हाँ 8 साल पहले शुरुआत की थी। जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी हमें तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि सामने जिनको हम गिफ्ट देते हैं वो उस क्वालिटी को जानते हैं कि नहीं जानते। आप सभी लोग दीपावली पे अगर अपने परिचित लोगों को गिफ्ट देते हो तो आप वेस्टिजियन होने के नाते अपने प्रोडक्ट उनको गिफ्ट में देते हो या नहीं? अगर नहीं देते हो तो क्यों नहीं देते हो? दोस्तों मुझे बताइए, जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जिसकी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आती है, जिसको आप लगातार यूज कर रहे हैं और जिसके चलते आप पैसा भी कमा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को गिफ्ट में देना फक्र की बात है या शर्म की बात है? मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है दोस्तों। मैं इससे पहले एम्बे कंपनी में था और एम्बे कंपनी में मैं किसी भी शादी में जाता था तो वहां पर, क्योंकि जिस तरह के संबंध होते हैं उस तरह से आप लोगों को गिफ्ट देते हैं, उतने रुपए का गिफ्ट देते हैं, मैं वहां पे ग्लिस्टर गिफ्ट किया करता था। ग्लिस्टर 150-250 रुपए का आता था, तो वो मैं गिफ्ट करता था। दोस्तों मैंने उसका फेस वॉश भी बहुत बार लोगों को गिफ्ट में दिया है। तो क्या हम अभी वेस्टिज में हैं तो हमें वेस्टिज के प्रोडक्ट गिफ्ट नहीं करने चाहिए? जरूर करने चाहिए फ्रेंड्स। आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को यूज किया हुआ है। मार्केट से जो प्रोडक्ट लाके आप गिफ्ट करते हो, क्या जरूरी है वो आपने यूज किया है? मुझे नहीं लगता कि वो जरूरी है। आप बिना यूज किए भी मार्केट का प्रोडक्ट गिफ्ट कर देते हैं, तो जब आपने अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है, जब आपको उन पे पूरा भरोसा है, जब उन पे आपको पता है कि गारंटी आती है, रिटर्न पॉलिसी है, तो फिर आप उनको गिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? इसको आप बिजनेस बढ़ाने का आइडिया भी मान सकते हैं। अपने क्वालिटी प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाने का भी फार्मूला मान सकते हैं। दोस्तों हमारा बिजनेस, हमारी अपनी शॉप हमारे हाथ में है। हमारा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है बेज डील का। आपको पता है ना कि वेज डील में बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि आप मार्केट से परचेज करते हैं, वो यहाँ पे मिल सकते हैं। आप मोबाइल गिफ्ट करना चाहते हो, मोबाइल गिफ्ट कर सकते हो। आप ग्रोसरी गिफ्ट करना चाहते हो, ग्रोसरी, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि आप एक्सेसरीज भी जो है मोबाइल की या दूसरे होम अप्लायंस, वो भी यहाँ से परचेज करके गिफ्ट कर सकते हो। आप उनको चॉइस भी दे सकते हो। यहाँ पे आप उनको बोल सकते हो कि आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे रहा हूँ, आप चूज करो कि आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए। ये एक मौका है दोस्तों। और अगर आप वेस्टिज के ही प्रोडक्ट गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हेयर ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। हेयर कंडीशनर है, हेयर स्पा है। दोस्तों आप फेस के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हैं। आप लोगों के हेल्थ फूड गिफ्ट कर सकते हैं। आपको पता है हमारे पास एनर्वा का सेरल्स है, इसके अलावा चॉकलेट्स हैं, और हेल्थ फूड में हमारे पास जो है चाय भी है, कॉफ़ी भी है,
फक्र कीजिए कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट गिफ्ट कर रहे हैं। शर्म मत कीजिए कि मैं लोगों को ड्राई फ्रूट्स किए गए चाय पत्ती गिफ्ट करूंगा या करूंगी। एक बार सोच बदल के देखिए, एक बार अपने आप को उस जगह रख के देखिए। यहां पर एक शॉपकीपर होता है जिसकी साड़ियों की शॉप है, वो अपने रिलेटिव्स को अपनी ही शॉप से साड़ियां गिफ्ट में देता है। एक ज्वेलरी शॉप वाला है, वो अपनी शॉप से ज्वेलरी गिफ्ट में देता है। हर व्यक्ति का एक बजट होता है, उस बजट के अनुसार वो अपने लोगों को गिफ्ट देता है। और ज्यादातर जो मेरे ऐसे बुद्धि के लोग हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान का ही सामान जो कि वो सेल करते हैं वही गिफ्ट में देते हैं। प्रमोशन तो होता ही है दोस्तों, वो भी विश्वास होता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसलिए हमने आपको वो चीज गिफ्ट में दी है। डिसीजन आपका, बिजनेस आपका है। हमारा बिजनेस है, हम जब से एक बार सोच लिया जो बोल रहे हैं आपको कि एम्बे के समय से हम प्रोडक्ट्स गिफ्ट में देते हुए आ रहे हैं, वही चीज वेस्टीज में भी चल रही है कि हम वेस्टीज में भी अपने ही प्रोडक्ट्स गिफ्ट में देते हैं। दोस्तों आपके विचार, आपकी सोच लोगों तक पहुंचना चाहिए, आपका बिजनेस भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब आपको ये विश्वास होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ लोग बुरा नहीं भी मानेंगे, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा। आप अपने इरादे पे निश्चित रहिए। दोस्तों आप बुरा मानने वालों की तरफ जाओगे ना, तो आप कुछ भी दे दोगे तो भी उन्हें बुरा लगेगा। और ज्यादातर गिफ्ट जो दिए जाते हैं ना, चाहे वो शादियों में हो, बर्थडे में हो, या फिर मैरिज में हो, सॉरी शादी और मैरिज एक ही चीज हो गई, चाहे आप किसी के किसी भी ओकेजन पे गिफ्ट दे रहे हैं, आप भी जानते हैं ये। जी हाँ, आप भी जानते हैं ना ये बात, तो गिफ्ट यूज नहीं होता, गिफ्ट दूसरों को गिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि पता है बजट छोटा होता है लोगों का तो क्वालिटी भी नहीं होती है। जब आपको पता है कि वेस्टीज के हर एक प्रोडक्ट में क्वालिटी है, तो फिर आप कोई सा भी प्रोडक्ट गिफ्ट करोगे उनको यूज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक बार उन्हें क्वालिटी पसंद आ गई तो वो आपसे पूछेंगे ये कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा, आपसे ही पूछेंगे ना, आप ही से पूछेंगे, क्योंकि आप ही उस प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो। एक ग्रीटिंग कार्ड भी आप अपना साथ में रख सकते हो दोस्तों, जब गिफ्ट देते हो अपना नाम तो पता नहीं होता ना कि किसने गिफ्ट दिया है, तो वो ग्रीटिंग कार्ड आपका काम कर जाएगा। तो इसी तरह के और भी आइडियाज आप जानना चाहते हो तो लगातार बने रहिए मेरे YouTube चैनल पर और जानकारी लेते रहिए। 9303131466 ये WhatsApp नंबर है, आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। YouTube चैनल विकास अग्रवाल बिंदल भोपाल के नाम से, आप उस पर भी ये वीडियो देख रहे हो, फिर भी आपको याद दिला रहा हूँ कि आप नाम ना भूलो। दोस्तों वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हो, हाँ कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक एक कमेंट जो होता है, चाहे आप मुझे उसमें
मेरे वीडियो की अच्छाइयाँ बताओ या मेरे वीडियो की कमियाँ बताओ, मेरे को इम्प्रूव करने में आसानी होती है, आपका स्नेह मिलता है या आपकी गालियाँ मिलती हैं, मैं सहज स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को देख के मुझे रिव्यू दिया होता है, मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ पर अच्छा हूँ और कहाँ पे मुझे सुधारने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।